बोलो। अच्छा देखा बोलो। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं इडली सांभर। तो सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 सूटी लिया है, जिसे हम लोग सहजन भी बोलते हैं और मुनगा भी बोलते हैं। उसे हम लोग छील कर रख देंगे। आज हम लोग कुकर में डायरेक्ट सांभर बनाएंगे। तो मैंने गैस में कुकर चढ़ाया। कुकर चढ़ाने के बाद फिर हम लोग उसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाल देंगे। सरसों तेल डालने के बाद मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिया है। 2 प्याज को देखिए, मैं इस तरीके से बड़े बड़े साइज में हम लोग काट लेंगे और डायरेक्ट कुकर में हम लोग डाल देंगे। उसके बाद जो सोजीना है, सूटी है, उसको हम लोग डाल देंगे। उसे डालने के बाद ना, फिर यहाँ पर मैंने ना 1 से 1.5 गिलास के लगभग राहर दाल लिया है। राहर दाल हम लोग डाल देंगे। उसके बाद राहर दाल डालने के बाद ना, यहाँ पर मैंने लौकी लिया है। लौकी को भी हम लोग ना, मतलब बड़े बड़े साइज में हम लोग इस तरीके से, देखिए जैसे मैं काट रही हूँ, बड़े बड़े साइज में उस तरीके से हम लोग काट लेंगे लौकी को। बहुत जगह कद्दू भी बोलते हैं, कहीं पर इसे गीवा भी बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग ना बड़े बड़े साइज में हम लोग काट देंगे। उसके बाद ना, फिर हम लोग ना अच्छे से ना सारे सब्जी और दाल को मिलाते हुए ना उसे अच्छे से हम लोग भून लेंगे। 5 से 10 मिनट हमें अच्छे से इसे मिलाते हुए हमें रोस्ट कर लेना है, भून लेना है, जिससे ना दाल और सब्जी दोनों ही हमारी अच्छे से ना, मतलब रोस्ट हो जाएगी, भुना जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ना देसी टमाटर लिया है, 4 से 5 देसी टमाटर को हम लोग ना, मतलब 4 से 5 बड़े बड़े साइज में हम लोग काट लेंगे और डाल देंगे। देसी टमाटर बहुत ही खट्टी लगती है, जो नॉर्मल हमारे यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पर आधा चम्मच के लगभग मैंने हल्दी डाला और स्वाद अनुसार नमक डालकर फिर हम लोग अच्छे से उसे मिलाते हुए फिर 5 से 10 मिनट हम लोग चलाएंगे। फिर उसके बाद ना यहाँ पर हम लोग पानी डाल देंगे। मैं किचन में एक छोटा सा मग यूज करती हूँ, वो मग से मैंने 1 मग के लगभग मैंने पानी डाल दिया। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर हम लोग तब तक छोड़ देंगे, हमारी तब तक दाल पक रही है। तब तक इधर हम लोग ना इडली का जो फ्रेम है, उसमें हम लोग ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। मतलब फ्रेम में ऑयल लगाने से क्या होगा ना, जब हम लोग इडली निकालेंगे ना, तो अच्छे से आसानी से हमारी इडली निकल जाएगी, चिपकेगी नहीं, आसानी से निकल जाएगी, इसलिए हमें ऑयल लगा रहे हैं। उसके बाद ना बैटर को मैंने पहले ही नमक डाल के फेंट लिया था। फिर एक एक करके हम लोग सब फ्रेम में डाल देंगे। गर्मियों में क्या है ना, कि बैटर आप रात में पीस के रखिएगा ना, तो अच्छे से सवेरे एकदम फूल जाती है। उसमें खाने वाले सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठंडी में थोड़ी दिक्कत होती है, हमें खाने वाले सोडा का थोड़ा सा उपयोग करना पड़ता है, गर्मी में ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर एक एक करके हम लोग सब फ्रेम को डाल देंगे। उसके बाद उसे हम लोग ढक देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में देख हम लोग चेक करेंगे तो हमारी इडली देखेंगे लगभग पक चुकी होगी। अब हम लोग निकाल के देखेंगे, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद निकाल के हम लोग फॉक की मदद से देखेंगे बैटर में, तो देखेंगे कि फॉक में बैटर हमारी नहीं चिपक रही, इसका मतलब हमारा इडली रेडी हो चुका है। फिर एक एक करके सारे फ्रेम को हम लोग निकाल लेंगे। थोड़ा हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इडली निकाल लेंगे, जिससे कि आसानी से हमारी इडली निकल जाएगी। अगर गरम गरम हम लोग निकालेंगे ना, तो अच्छे से नहीं निकलेगी, ठंडा होने के बाद ही अच्छे से निकलती है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम स्पंजी, एकदम सॉफ्ट बनी है। सारे इडली को हम लोग निकाल के एक जगह रख देंगे। उसके बाद यहाँ हमारा दाल भी पक चुका है, देखिए अभी दाल बहुत गाढ़ी है, देखिए अच्छे से हमारी दाल पक चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ना 2 चम्मच के लगभग सांभर मसाला डाला है। जो मार्केट में सांभर मसाला हमारा मिलता है ना, वही हम लोग डालेंगे। 2 चम्मच के लगभग मैंने वही डाला है। फिर यहाँ पर मैंने 1/4 रेड चिली पाउडर लिया है, उसे हम लोग डाल देंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। फिर हमारा जो सांभर था बहुत गाढ़ा था, तो उसमें हम लोग थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और सारे मसालों को अच्छे से हम लोग यहाँ पर मिला लेंगे।
तब तक हम लोग यहाँ सांभर को छौंकने के लिए एक पैन में हम लोग सरसों तेल लेंगे और उसे हम लोग स्लो आंच में गैस पे चढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चम्मच के लगभग उसमें हम लोग सरसों डालेंगे। सरसों डालने के बाद मैंने यहाँ पर दो सूखी लाल मिर्च लिया है, उसे हम लोग डाल देंगे। जब सरसों और मिर्च हमारी थोड़ी सी पक जाएगी, सरसों हमारी चटकने लगेगी स्लो आंच में इस तरीके से, फिर उसके बाद हम लोग उसे निकाल के फिर उसमें हम लोग कड़ी पत्ता डाल देंगे। और कड़ी पत्ता डालने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर सांभर को छौंक लेंगे। मैं ना यहाँ पर इमली का उपयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मतलब हम लोग इमली ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग होम्योपैथिक का दवा यूज करते हैं मेरे ससुर जी और मैं, इसीलिए हम लोग इमली का उपयोग नहीं करते हैं। देसी टमाटर डालने से ही खट्टापन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सांभर हमारी बन के रेडी है, और देसी टमाटर डालिएगा ना, उसी से खट्टापन आ जाता है तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप ना यहाँ पर जल जीरा भी डाल सकते हैं, नहीं तो चाट मसाला भी, अगर इमली जिसको नहीं खाना है। और जो इमली खाते हैं वो इमली थोड़ा देर 10 मिनट या 15 मिनट पहले इमली को फुला ले पानी में, उसके बाद उसका पानी आप यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग इडली डाल देंगे, फिर सांभर, उसके बाद मैंने थोड़ी सी मूंगफली की चटनी बनाई थी उसे हम लोग डाल देंगे। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब दोस्तों, बहुत ही